महाराष्ट्र के एक शहर जिसका नाम औरंगाबाद हुआ करता था वो अब चेंज हो चुका है। उसका नया नाम है छत्रपति संभाजी नगर। काफ़ी समय से प्रपोजल पेंडिंग था नेम चेंज करने का, एंड फाइनली महाराष्ट्र सरकार की शिंदे गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल का अप्रूवल दे दिया ऑन जुलाई 16, 2022। इसके साथ ही एक और शहर उस्मानाबाद का नाम भी बदल कर धारासिव कर दिया गया है। औरंगाबाद का पुराना नाम औरंगजेब के नाम पर पड़ा था, जो कि एक मुगल सम्राट हुआ करता था, और उसने अपने टाइम में मराठा शासक छत्रपति संभाजी को कैद किया था और उनको क्रूर यातनाएं दी थी। दरअसल छत्रपति संभाजी भारत में मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी अपने पिता की मृत्यु के बाद 1680 में सिंहासन पर बैठे। अपने शासनकाल के दौरान छत्रपति संभाजी को मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष करना पड़ा, कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसने मराठा साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। हालांकि उनके शासनकाल को गहन युद्ध और राजनीतिक स्थिरता द्वारा चिन्हित किया गया। 1689 में छत्रपति संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब ने पकड़ लिया और काफ़ी सारे उनको क्रूर यातनाएं दी गई और फाइनली फांसी दी गई। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद संभाजी को उनकी बहादुरी, वीरता और मराठा साम्राज्य के विकास और लचीलेपन में उनके योगदान के लिए अभी भी याद किया जाता है। तो अगली बार अगर आप छत्रपति संभाजी नगर या फिर धारासिव सुने, अपने कानों में ये मत सोचिएगा कि कौन से शहर हैं महाराष्ट्र के, ये शहर वही हैं लेकिन इनका नाम बदल चुका है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि आगे औरंगाबाद अब संभाजी नगर क्यों कहलाया जाता है या फिर उस्मानाबाद अब धारासिव क्यों कहलाया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।